हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज मैं फिर वापस लेके आया हूँ आपके लिए एक और कलर कॉम्बिनेशन वीडियो, जिसमें मैं आपको 10 कलर बताऊंगा अलग अलग। तो मैंने यहाँ पर ये टेक्टर इमल्शन का 1 लीटर का डब्बा लिया है और उसमें थोड़ा सा वाइट कलर लेके इसमें मिलाऊँगा मैं फास्ट वॉयलेट, ये देख सकते हो आप, थोड़ी सी ये मिलाएंगे और इसको मिक्स करके मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा कलर बनता है। एकदम लाइट पर्पल कलर है ये, ज़्यादा डालोगे आप तो डार्क पर्पल बन जाएगा इससे। इसके बाद इसमें हम मिलाएंगे दूसरा एक और कलर जो है फास्ट ब्लू। इसको मिलाने से एक दूसरा शेड तैयार होगा अपना। ये सारे जो कलर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उसमें भी आप देख सकते हो, उसमें भी मैंने बहुत सारे कलर अलग अलग बना के दिखाए हैं और ये कुछ नए कलर बनाए हैं मैंने। ये देखिए, ये आपका हो गया ब्लू कलर, जो नॉर्मल ब्लू होता है उससे कुछ अलग शेड है ये। और अगर आप क्वांटिटी कम रखोगे तो ये लाइट भी बन जाएगा और डार्क, दोनों मैंने आपको बना के दिखा दिए। इसके बाद तीसरा कलर बनाएंगे अपन, जो है अपना वाइट ले लेंगे पहले, तो फिर इसमें मैं डालूँगा फास्ट रेड, दो बूंद फास्ट रेड अच्छे से हिला के डालने के बाद आपका पिंक कलर तैयार होगा। ये थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी मैंने, तो ये आपका डार्क पिंक होगा। एक इसको रानी कलर भी कहते हैं, जो रानी कलर बोलते हैं वो भी यही कलर है। फिर इसमें डालूँगा मैं फास्ट येल्लो, जिससे एक अलग शेड बन के आएगा। थोड़ा सा फास्ट येलो ले लिया और दोनों को मिक्स कर दिया। ये नया कलर बन गया अपना सिंदूरी कलर टाइप। अब इसमें मैं डालूँगा FI ग्रीन, दो बूंद FI ग्रीन की डालेंगे इसमें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये एक आपका नया शेड बन गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप भी बना सकते हो घर पे कलर अलग अलग स्टेनर डाल के। अगला कलर ले लेंगे अपन, सेम चीज़ वाइट लिया, उसके बाद मैं इसमें डालूँगा FY ग्रीन फिर से, जिससे आपका पैरेट कलर तैयार हो जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपन। ये देखिए आपका कलर बनके तैयार है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा डालें तो आपका डार्क कलर बनेगा, सेम चीज़ जो हर कलर में होती है। इसके बाद मैं डालूँगा इसमें फास्ट ब्लू, हल्की सी फास्ट ब्लू डालेंगे इसमें, ये थोड़ा डिफरेंट कलर बनेगा। जो मैंने पहले आपको फास्ट ब्लू बताया था अपने ब्लू कलर, उससे थोड़ा अलग कलर बना आ जाए। ठीक है, इसके बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ फास्ट स्टेनर, ये फास्ट वॉयलेट सॉरी, हल्की सी फास्ट वॉयलेट, तो कलर थोड़ा और चेंज हो जाएगा अपना। ये देखिए आप, आपको शायद कैमरे में थोड़ा अलग दिख रहा होगा ये, बाकी रियलिटी में जब कलर बनता है वो अलग लगता है। सेम चीज़ वापस, अब आपको ग्रे कलर बनाने के लिए वाइट में ब्लैक मिलानी पड़ेगी, जिसको अपनी लोकल भाषा में इंग्लिश शेड बोलते हैं अपन। हल्की सी ब्लैक ली मैंने, अच्छे से मिक्स कर दिया इसको मैंने, तो ये आपका ग्रे कलर तैयार हो गया। इसको आप थोड़ा चेंज भी कर सकते हो, इसमें मैंने डाल रहा हूँ अभी फास्ट रेड थोड़ी सी, तो आपको पूरा कलर अलग मिलेगा। ये देखिए, फास्ट रेड डालने के बाद कलर चेंज हो जाएगा, ये वही शेड रहेगा पर हल्का सा कलर डिफरेंट आएगा। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हो, अलग अलग स्टेनर मिला के कलर बना सकते हो। वापस वाइट लेंगे, इस बार मिलूंगा मैं फास्ट रेड इसमें। ये देखिए, हल्की सी फास्ट रेड ले ली मैंने, तो ये आपका येलो कलर बन गया, ब्राइट येलो। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको, ये देखिए कलर बन गया आपका। इसके बाद मैं इसमें डालूंगा फास्ट ऑरेंज,
हल्का हल्की सी फास्ट ऑरेंज ले लेंगे अपन इसमें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो आपका एक लिए नया कलर बन जाएगा जो सनराइज कलर अपन बोलते हैं। रेडीमेड शेड में ये कलर काफ़ी चलता है, अभी सनराइज कलर बन गया आपका। अगर आपको इसका थोड़ा सा और डार्क करना है तो इसमें थोड़ी सी येलो की मात्रा ज़्यादा रखेंगे। और एक और अलग कलर करने के लिए इसमें डाल रहा हूँ मैं फास्ट रेड, जो अपना बगवा कलर टाइप बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से ले लूँगा मैं इसमें वाइट, और इस बार डालेंगे अपन येलो ऑक्साइड, हल्की सी येलो ऑक्साइड डालेंगे इसमें। ये कलर अपने गवर्नमेंट बिल्डिंग में बहुत होता है। येलो ऑक्साइड डालने के बाद इस तरह का कलर बन जाएगा आपका। इसमें डालूंगा मैं फिर फास्ट रेड, जिससे इसका कलर और चेंज हो जाएगा। अभी आप याद रखिए, मैं आपको हर एक कलर में तीन तीन कलर बना के बता रहा हूँ कि आप इसको कैसे अलग बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये देखिए शेड पूरा चेंज हो गया, जो किनारों पर आपको दिख रहा है वो अलग शेड है और बीच में है जो अलग शेड है। ठीक है, इसके बाद फिर वापस ले लेंगे अपन। इस बार डालेंगे अपन रेड ऑक्साइड, मेरी फेवरेट। हल्की सी रेड ऑक्साइड लेने के बाद मिक्स कर लेंगे इसको। बहुत ही प्यारा कलर बना इससे। अगर आपको इसको डार्क करना है तो थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा रखिए, उससे आपका कलर और डार्क बन जाएगा। इसमें डालूंगा मैं फास्ट रेड, दो बूंद फास्ट रेड डालेंगे इसमें और मिक्स कर लेंगे। याद रखिए, आपको अगर मरून भी बनाना हो तो इसमें रेड ऑक्साइड पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आपका ये भी एक पिंक टाइप कलर पर अलग शेड है। वापस ले लेंगे अपन वाइट। इसमें डालूंगा मैं फास्ट वॉयलेट, हल्की सी फास्ट वॉयलेट डालने के बाद मिक्स कर लेंगे इसको, जिससे आपका पहला बनेगा पर्पल कलर, जो मैंने आपको पहले बना के बताया। ये देखिए सुंदर सा पर्पल कलर बन गया आपका। इसके बाद ले लेंगे अपन इसमें फास्ट रेड, जिससे ये कुछ कुछ मजेंटा जैसा बनेगा। अभी लाइट मजेंटा कह सकते हैं अपन इसको। बाकी आपको जो कैमरे में जो दिख रहा है स्क्रीन पर, उसमें और जो रियलिटी में कलर बनता है वो थोड़ा डिफरेंट लगेगा आपको, इस बात का ख्याल ध्यान रखें आप। ले लेंगे अपन अगला कलर, दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। इसमें डालूंगा मैं फास्ट ग्रीन, जिससे एक सुंदर सा कलर निकल गया है। अभी देखो आप, ये देखिए अगर आप बड़ी बाल्टी में बना रहे हो तो रेशियो आपके हिसाब से पहले सेट कर लें कि मुझे कैसा कलर चाहिए, उसके बाद ही डालें। इसमें इसके बाद मैं डालूंगा इसमें फास्ट रेड, ये देखिए फास्ट रेड डालूंगा मैं इसमें। जो लाइट मेहंदी कलर कहते हैं अपन, वो तैयार हो गया इससे, ये दोनों डालने से। ठीक है दोस्तों, अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए लाइट मेहंदी की, यहाँ ग्रीन कुछ भी कह सकते हो आप। वापस ले लेंगे अपन कलर, फिर से डालूंगा मैं इसमें फास्ट ग्रीन। हल्की सी फास्ट ग्रीन डाल के मिक्स कर लेंगे। इस बार मैं चार कलर डाल रहा हूँ उसमें, फिर डालूंगा मैं FI ग्रीन, फास्ट ग्रीन हो गया, FI ग्रीन हो गया। उसके बाद डाल रहा हूँ मैं इसमें फास्ट येलो, दो बूंद फास्ट येलो की डाल दी।
उसके बाद डालूंगा मैं इसमें फास्ट वॉयलेट, ये चारों कलर डाल के मैं मिक्स कर लूँगा इसको। तो आप देखिए कौन सा कलर बन के आता है। ये देखिए दोस्तों यूनिक कलर बन के तैयार है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ जानकारी अगर आप लेना चाहते हो, देना चाहते हो, तो वीडियो के ऊपर कमेंट ज़रूर करें और अपना सजेशन दें। ये सारे कलर जो मैंने अभी आपको बना के बताए वो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये भी सारे कलर बनाए अपन ने 10 कलर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको और कुछ सजेशन चाहिए तो आप मुझे भेज दीजिएगा कि इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो।